हेलो फ्रेंड्स, R&P क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 न्यू क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक्स GK फॉर ऑल एग्जाम्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एरिस्टोटल। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो ये अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने लेवोस की यात्रा की, जो एजियन टैमिंग में एक द्वीप था। और फिर अब वन्य जीवों के साथ वह जो कुछ भी उसे मिला, उसके साथ उसका आकर्षक और इसके बारे में उसके श्रम साध्य अध्ययन ने एक नए विज्ञान जीव विज्ञान के जन्म का नेतृत्व किया। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर हम बात करें अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 30 अगस्त 1871 को हुआ था। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी अर्ध जीवन की अवधारणा की खोज की और विभिन्न तत्वों में अल्फा और बीटा विकिरणों को साबित किया, और बाद में सबसे महान प्रयोगवादियों में से एक के रूप में आए। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पर। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो ये एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे, जिन्होंने एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, जिसे अब पूंजीवादी की बाइबल माना जाता है। उन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पर। 2019 में RBI के गवर्नर कौन है? तो इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। अगर हम बात करें शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पर। ASLV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम बात करें ASLV की, तो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे AASALV के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा लिफ्ट लॉन्च व्हीकल था, जिसे इसरो ने 150 किलो वजन उपग्रहों को लियो में रखने के लिए विकसित किया था। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल पर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। अगर इसरो की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह भारत की एजेंसी है जो अंतरिक्ष अन्वेषणों और खगोल विज्ञान से संबंधित है। यह संगठन ने 1969 में अपने निर्माण के बाद से कई सफलताएं हासिल की हैं। इसने मंगल ऑर्बिटर मिशन का निर्माण और लॉन्च किया, जिसने भारत को अपनी पहली कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला पहला देश बनाया। आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल पर। IRNSS क्या है? तो इसका सही जवाब है भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS भारत का क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर भूस्थानिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने स्थान को माप करने में सक्षम बनाता है। IRNSS को विकसित करने का उद्देश्य विदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों पर भारत की निर्भरता में कटौती करना था। आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल पर। पहले चंद्रयान क्या था? तो इसका सही जवाब है लूनर प्रोब। चंद्र की जांच। चंद्रयान एक चंद्रयान कार्यक्रम के तहत पहली भारतीय चंद्र जांच थी। यह इसरो द्वारा अक्टूबर 2008 में शुरू किया गया था और अगस्त 2009 तक संचालित किया गया था। मिशन में एक चंद्र कक्ष और एक प्रभावकार शामिल था। आगे बढ़ते हैं नवे सवाल पर। GSLV द्वारा अपने संचालन में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में तरल। अगर हम बात करें GSLV की, तो इसका फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो द्वारा संचालित एक खर्चीला लॉन्च सिस्टम है। GSLV का उपयोग 2001 से 2018 तक
13 बार लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल पर। भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल बोगीबिल पुल किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब है असम। अगर हम बात करें बोगीबिल पुल की तो ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक पुल है। इस पर रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं। यह पुल असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है। इस पर सन 2002 में कार्य आरंभ हुआ था। पहला, यह 4.94 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा रेल से सड़क पुल है। दूसरा और तीसरा, यह भारत का पांचवा सबसे बड़ा पुल है तथा एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रोड पुल है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर किया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।